नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। तुनिशा शर्मा के केस में लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और अब इस बीच एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त शुजान खान पुलिस रिमांड में है। शुजान खान की पेशी आने वाले 15 और 17 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में की जाएगी। इससे पहले पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि छानबीन के दौरान पुलिस ने शुजान और तुनिशा की व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव कर लिया है। साथ ही पुलिस को तुनिशा और शुजान के बीच हुई 250 पन्नों की व्हाट्सएप चैट मिल चुकी है, जिसकी स्टडी और एनालिसिस अभी बाकी है। और अब यहाँ पर व्हाट्सएप चैट की डिटेल्स मिल चुकी है, जिसमें शुजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर के कई बातचीत भी सामने आई है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट के एनालिसिस की जिम्मेदारी एक महिला सब इंस्पेक्टर को दी गई है। चैट्स के एनालिसिस के बाद ये तय हो जाएगा कि क्या शुजान और तुनिशा के अलावा किसी और लड़की के साथ में रिलेशनशिप में था या नहीं। और अब यहाँ पर ये भी सामने आ चुका है कि शुजान तुनिशा के साथ साथ एक और किसी लड़की को डेट कर रहा था, जिसे सीक्रेट गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। पुलिस इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी है, लेकिन अभी तक इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की आइडेंटिटी को पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया है। अब ऐसे में कई तरह के कयास शुजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर लगाए जा रहे हैं कि क्या तुनिशा के निधन के लिए शुजान नहीं बल्कि ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड जिम्मेदार है। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।